गाजियाबाद जिले में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई को सांप्रदायिक रंग देने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ट्विटर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इस मामले में 8 अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। ट्विटर पर आरोप है कि इस तरह के वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वीडियो को इस तरह प्रचारित किया गया कि मुस्लिम शख्स को निशाना बनाया गया, उनकी पिटाई की गई और जबरन उनकी दाढ़ी काटने का आरोप लगा। ट्विटर भ्रामक खबरों को मैनिपुलेटेड मीडिया कहता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। दरअसल पीड़ित व्यक्ति का दावा है कि उनकी पिटाई करने वालों ने उनसे जय श्री राम का नारा लगाने को कहा था। पुलिस ने इस मामले में सांप्रदायिक पहलू होने से इनकार किया। उनका कहना है कि सूफी अब्दुल समद की पिटाई करने वालों में हिंदू मुसलमान मिलाकर कुल 6 लोग शामिल थे और सभी उनके द्वारा बेचे गए ताबीज को लेकर नाखुश थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने कहा कि सूफी की पिटाई की घटना उसके आवास पर हुई थी। 5 जून को हुई घटना के 2 दिन बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 323, 504 और 506 में मामला दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक सूफी ने अपनी शिकायत में ये नहीं कहा था कि उनकी दाढ़ी काटी गई और उनसे जबरन जय श्री राम बुलवाया गया। पुलिस अधीक्षक देहात इराज राजा ने बताया कि पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बेटे को जा रहा था, बोल चक्कर से बैठा नहर के लिए और नहर से एक लोग वाले ने मुझे कहा, मैं चचा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो बेटे को कहाँ जा रहा है तुम्हें, तो मैंने कहा कि मुझे बेटे में जाना, तो वो नहर नहर ले गए, नहर नहर लेकर 2 आदमी से बैठे हुए, 2 और आगे से बैठ गए। तो मुझे मेरे को तू आगे कहाँ ले जाना, ये तो इधर को जाना, बोले बैठे रहो बैठे रहो, आगे पुलिस वाले भी लगे वो परेशान करेंगे, हमें घुमा के पहुंचाऊंगा मैं तुम्हें। और वो मुझे एक जंगल में ले गए और जंगल में ले जाके मुझे कमरे में बंद कर दिया। तो दिखाओ जरा, और मुझे इतना मारा कि बहन का। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कि एक बुजुर्ग जिनका की नाम अब्दुल समद है और जो बुलंदशहर अनूपशहर के निवासी हैं, उनके साथ कुछ लड़के उसमें मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इसमें जब और गहनता से जांच की गई तो ये पता चला कि ये बुजुर्ग 5 तारीख को लोनी बॉर्डर क्षेत्र में आए थे। वहाँ से ये एक किसी के साथ और बाइक से बैठ के बेहटा हाजीपुर गांव में गए, जहाँ पर कि इनको प्रवेश के घर पे जाना था। प्रवेश ने इनको बुलाया था क्योंकि ये उन लड़कों को पहले से जानते थे और जो एक ये ताबीज़ बनाने का काम करते हैं, और प्रवेश एवं गाँव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने ताबीज़ बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराज़गी थी और इन्होंने फिर उनको वहाँ पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहाँ पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें हमने लगभग सभी लड़के ट्रेस कर लिए हैं, सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, और 3 लड़के प्रवेश जो कि ऑलरेडी जेल में हैं, इसके अलावा 2 अन्य लड़के कल्लू गुजर और आदिल, इनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य लड़के भी चिन्हित कर लिए गए, बहुत ही जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले में जो भी और कठोर से कठोर कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। उन्होंने बताया कि तंत्र मंत्र साधना करने वाले सूफी ने गुर्जर को उसके परिवार के कुछ सदस्यों को बुरी नजर से बचाने के लिए कुछ ताबीज दिए थे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने की वजह से दोनों के बीच कहासुनी हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक कथित वीडियो में गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में 4 लोग सूफी की पिटाई करते हुए उनकी दाढ़ी काटते और उनसे जय श्री राम का नारा लगवाने को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं, ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में नहीं किया। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं, सत्ता की लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।